जय जिनेन्द्र बच्चों, आज हम आपको बाहुबली भगवान की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएंगे। बाहुबली भगवान बहुत ही ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, हैंडसम थे। भरत एंड बाहुबली वर ब्रदर्स एंड देयर फादर वाज किंग ऋषभदेव। किंग ऋषभदेव ने मुनि बनने से पहले अपने बड़े बेटे भरत को अयोध्या का किंग बना दिया और अपने छोटे बेटे बाहुबली को पोदनपुर का किंग बना दिया। तो राजा बनने के कुछ टाइम बाद किंग भरत को एक ही साथ 3 गुड न्यूज मिलती हैं। फर्स्ट न्यूज कि भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हो गया है। सेकंड गुड न्यूज कि उनकी आर्मी के आर्म्स एंड वेपन स्टोर में एक स्पेशल पावरफुल एंड डिवाइन दिव्य चक्र रत्न अपीयर हुआ है। ये दिव्य चक्र रत्न क्या होता है? दिव्य चक्र एक बहुत ही पावरफुल वेपन होता है और ये जिस भी राजा के पास होता है उसे चक्रवर्ती कहते हैं। वो चक्रवर्ती राजा सुपर पावरफुल हो जाता है, बाकी सभी राजा उनको किंग मानने लग जाते हैं। और थर्ड गुड न्यूज क्या मिली? थर्ड गुड न्यूज मिली कि उनके यहाँ एक बहुत ही सुंदर बेबी बॉय बॉर्न हुआ है। अच्छा बताओ, तो चक्रवर्ती किंग भरत ने कौन सी हैप्पी न्यूज को पहले सेलिब्रेट किया? किंग भरत ने सबसे पहले धर्म की गुड न्यूज को सेलिब्रेट किया। वो अपने सिंहासन से उठे और 7 स्टेप्स आगे जाकर भगवान ऋषभदेव को प्रणाम किया। देन ही वेंट टू भगवान ऋषभदेव समोसरन एंड डिड ग्रैंड पूजा। किससे? अष्टद्रव्य से। आफ्टर दैट ही रिटर्न्ड टू हिज किंगडम एंड वेंट टू द वेपन स्टोर, जिसे आयुधशाला भी कहते हैं, जहां दिव्य चक्र रत्न अपीयर हुआ था। और फिर उसके बाद ही सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ हिज बेबी बॉय। इसके बाद चक्रवर्ती राजा भरत दिग्विजय के लिए निकल पड़े। दिग्विजय मतलब, दिग मीन्स डायरेक्शंस एंड विजय मतलब विक्ट्री। मतलब ऑल द किंग्स इन ऑल द डायरेक्शंस शुड आइदर एक्सेप्ट भरत एज देयर किंग और बी रेडी टू फाइट विद हिम। सभी राजाओं ने भरत चक्रवर्ती को अपना किंग मान लिया। सारे राज्यों को विन करके भरत चक्रवर्ती जब अयोध्या वापस आए अपनी खुद की सिटी में, तो उनका दिव्य चक्र उनके पैलेस के डोर पर ही रुक गया। वो पैलेस के अंदर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी भी कोई ऐसा किंग था जिसने भरत को अपना किंग नहीं माना था। भरत के सारे ब्रदर्स तो दीक्षा लेकर मुनि बन गए थे, लेकिन उनके यंग ब्रदर पोदनपुर के किंग बाहुबली ने अभी तक भरत को राजा नहीं माना था, इसीलिए वो चक्र पैलेस के अंदर नहीं आ रहा था। बाहुबली ने कहा कि उनके फादर ने, किंग ऋषभदेव ने तो सभी भाइयों को इक्वली राजपद दिया है, तो ये तो बहुत अनफेयर है कि भरत बिकम्स द रूलिंग एम्परर एंड अदर किंग्स शुड बी अंडर हिम। ओके, इसीलिए भरत और बाहुबली की आर्मी एक दूसरे से फाइटिंग करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उन दोनों किंग्स के इंटेलिजेंट मंत्रियों ने सजेस्ट किया कि आर्मी फाइटिंग से तो बहुत हिंसा होगी, ओनली द ब्रदर्स शुड फाइट एंड टेक द डिसीजंस अमंग देमसेल्व्स एंड नॉट इन्वॉल्व द आर्मीज। सो एवरीवन डिसाइडेड दैट देयर वुड बी 3 काइंड्स ऑफ फाइट्स बिटवीन भरत एंड बाहुबली टू डिसाइड द विनर। फर्स्ट फाइट इज जल युद्ध, मतलब दे वर गोइंग टू हैव फाइट इन द वॉटर। दूसरा दृष्टि युद्ध, मतलब दे वर गोइंग टू लुक इन टू ईच अदर्स आईज एंड द वन हु ब्लिंक्स फर्स्ट वुड लूज द फाइट। एंड थर्ड मल्ल युद्ध, मतलब रेसलिंग। या उन दोनों सुपर पावरफुल ब्रदर्स के जिनकी फाइट को देखने के लिए बहुत सारे लोग और बहुत सारे किंग भी इकट्ठे हो गए और दोनों साइड से जय जयकार की आवाजें आने लगी। Everybody was wondering कि विनर कौन होगा? आप भी यही सोच रहे हो ना? पता है बच्चों, बाहुबली भगवान की हेल्थ और हाइट
भरत चक्रवर्ती से भी बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे पूर्व जन्म में। हाँ, तो when they started जल युद्ध in a big pond, भरत was shorter than बाहुबली और वो बाहुबली के मुंह तक पानी थ्रो ही नहीं कर पा रहे थे। और बाहुबली बार बार भरत के ऊपर जल मतलब वाटर स्प्लैश कर रहे थे। इस फाइट में बाहुबली बिकेम द विनर। एंड देन इट वाज अ टाइम फॉर साइट कंपटीशन, दृष्टि युद्ध। तो उसमें भी भरत ज्यादा देर तक अपनी आईज को ऊपर करके बाहुबली को नहीं देख पाए क्योंकि बाहुबली वाज टॉलर देन हिम। और इस युद्ध में भी बाहुबली जीत गए। नाउ इट वाज टाइम फॉर फाइनल पावर फाइट, दैट वाज मल्ल युद्ध मतलब रेसलिंग। किंग भरत वाज सुपर फ्यूरियस विद हिज डिफीट एंड ही वांटेड टू डिफीट बाहुबली एट एनी कॉस्ट। मल्ल युद्ध में मतलब रेसलिंग में दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहुबली वाज मोर पावरफुल एंड ही फाइनली लिफ्टेड किंग भरत अप इन द स्काई इन हिज हैंड्स। सभी लोग बाहुबली की जय जय कार करने लगे। भरत इस डिफीट से बहुत अशेम्ड एंड एंग्री हो गए। उन्होंने गुस्से में अपना दिव्य चक्र बाहुबली पर चला दिया। सभी लोग एकदम शॉक्ड होकर देखने लगे कि ये चक्र अब तो बाहुबली को किल ही कर देगा। लेकिन ये क्या, वो चक्र बाहुबली की प्रदक्षिणा देकर भरत के पास आकर रुक गया। यू नो व्हाई? ये जो दिव्य चक्र होता है ना, ये कभी भी अपने फैमिली मेंबर्स पर नहीं चलता। तो बाहुबली सोचने लगे कि मेरे बड़े भाई ने किंगडम के लिए ये क्या किया, ये किंगडम की वजह से तो भाई भाई में भी झगड़ा हो गया। ये किंगडम तो सफरिंग्स को देने वाला है। ये जितने भी सेंस के प्लेजर्स हैं, स्टेटस हैं, किंगडम हैं, वो सब टेम्पररी हैं, ट्रांजिएंट हैं, और उनको वर्ल्डली अटैचमेंट से वैराग्य हो गया। बाहुबली वांटेड टू गो इन द सर्च ऑफ रियल पीस एंड रियल धर्मा, वेयर ही कुड विन ओवर हिज एंगर, हिज क्रोध, हिज ग्रीड, हिज ईगो। उन्हें वैराग्य हो गया था। वो अपनी सोल की प्योरिटी के लिए अपने सारे वस्त्र, आभूषण, क्लोज, ज्वेलरी, पूरा किंगडम छोड़कर दिगंबर मुनि बन गए और तपस्या और आत्म साधना करने लगे। पूरे 1 ईयर तक उन्होंने फॉरेस्ट में खड़े होकर बहुत कठिन तपस्या की। तो बहुत सारी वाइन्स भी उनकी बॉडी पर लिपट गई थी। बर्ड्स ने अपने नेस्ट उनके हेड पर बना लिए थे। उनके लेग्स पर भी चारों तरफ डस्ट जम गई थी और स्नेक्स और एंट्स ने उनको अपना घर बना लिया था। लेकिन बाहुबली स्टेडिली अपनी आत्मा के ध्यान में लगे रहे। इस तरह तपस्या, आत्म साधना करते हुए उन्हें केवल ज्ञान हो गया और अपने सारे कर्मों को खत्म करके वो क्या बन गए, सिद्ध भगवान। तो हम सब भी वर्ल्डली रिचेस को छोड़कर अपनी लाइफ का गोल मोक्ष बनाएंगे, जैसा कि बाहुबली ने बनाया। बनाएंगे ना? जय जिनेंद्र।